नमस्कार दोस्तों, लगातार गिर रहे मार्केट की वजह से छोटे निवेशक जिन्होंने अपने थोड़े पैसे मार्केट में लगाए थे उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे में निवेशक डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये गिरावट का दौर पता नहीं और कितने दिन रहेगा। लेकिन आपको एक बात बताते चले कि मार्केट गिरने की वजह से कई शेयर अपने बुक वैल्यू से भी कम कीमत में मिल रहे हैं, जो कि 2-3 महीने पहले एक्चुअल वैल्यू से दोगुने दाम पर थे। ऐसे ही कुछ शेयर आपके लिए लाए हैं जिसे खरीदकर आप 1 साल के अंदर अंदर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का है। इसका मार्केट कैप 2,10,028 करोड़ का है। इस स्टॉक ने 2017 से 2021 तक अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, साथ साथ अपने नेटवर्थ को 5 साल में 1,94,385 करोड़ से बढ़ाकर 2,20,981 करोड़ कर लिया है। दोस्तों, इस स्टॉक ने पिछले साल अधिकतम 194 रुपये के आंकड़े को छूकर वापस आया है, जबकि इस स्टॉक की कीमत इस समय मात्र 164 रुपया 75 पैसा है, जो अपने एक्चुअल वैल्यू से 33 रुपये कम है। आप चाहे तो इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर रख सकते हैं। दोस्तों, इस शेयर का नाम है ONGC। चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जो कि IT सेक्टर का शेयर है। हालांकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसका मार्केट कैपिटल 4,010 करोड़ रुपया है। कंपनी पिछले 5 साल से लगातार ग्रो कर रही है और साथ साथ अपने रेवेन्यू भी पिछले 5 साल से लगातार बढ़ा रही है। 4 से 5 महीने पहले इस कंपनी के शेयर ने अधिकतम 1,867 रुपये के आंकड़े को छूकर आई है, जबकि इस स्टॉक की बुक वैल्यू मात्र 1,082 रुपये थी। और मार्केट लगातार गिरने की वजह से ये शेयर इस समय आपको मात्र 939 रुपये 35 पैसे में मिल रहा है, जो अपने एक्चुअल वैल्यू से भी 143 रुपये कम में मिल रहा है। इस स्टॉक को भी आप आने वाले 1 से 2 साल के लिए होल्ड करके 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। और दोस्तों, जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का है, जिसका मार्केट कैपिटल 1,18,854 करोड़ रुपये है। इस स्टॉक ने लगातार 5 साल में अपना प्रॉफिट 19,849 करोड़ से बढ़ाकर 21,638 करोड़ कर लिया है। दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी के बीच भी इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है और साथ साथ अपना रेवेन्यू भी बढ़ाकर 5 साल में 4,53,795 करोड़ से 5,20,237 करोड़ कर लिया है। और कंपनी ने भी पिछले 1 साल में अपने निवेशकों को 30% का रिटर्न निकाल कर दिया है। यह शेयर कुछ समय पहले 141 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिख रहा था, लेकिन लगातार शेयर मार्केट की गिरावट की वजह से ये शेयर अपने बुक वैल्यू से भी 16 रुपये कम मात्र 124 रुपये पर मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऐसे ही और स्टॉक के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।